फेसबुक पर वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। आरोप है कि बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से तेज बहादुर को धमकी दी जा रही है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी शिकायत वापस ले। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें तेज बहादुर अपनी पत्नी से फोन पर कह रहे हैं कि अफसर उन्हें धमका रहे हैं, जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, यहाँ घोटाला और बढ़ गया है, मुझसे बार बार शिकायत वापस लेने और माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। जवान ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा फोन तक रख लिया, ऐसे में वह उसकी ऑडियो को मीडिया के सामने लाए। वायरल हुई इस ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं जवान की पत्नी का आरोप है कि अफसरों की तरफ से तेज बहादुर के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आरोपों पर जवान तेज बहादुर की पत्नी ने कहा कि अगर उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उन्हें देश की सुरक्षा के लिए बंदूक क्यों दी गई। तो लगातार इस मामले में नई नई बातें सामने आ रही है और अब इन सबके बीच पीएमओ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। देखते रहिए डीबी लाइव।